मैडम ने तो अपना पर्सनल खुन्नस निकाला है, तो उनको मैंने कुछ बताया कि मुझे नहीं समझ आ रहा, उन्होंने मेरे अगेंस्ट यूज कर ली वो चीज तो। हाँ, और जो ये मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ, जो देख कर आए बिग बॉस ऑलरेडी। हाय, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन मायापुरी। बहुत अनफेयर था, क्योंकि यार ये उसके रूल ब्रेकिंग के आधार पे करना था, तो मैडम ने तो अपना पर्सनल खुन्नस निकाला है, तो इसलिए मैं इधर बैठ के आपको इंटरव्यू दे रही हूँ। बिग बॉस की जर्नी नील के साथ कैसे देखती हूँ? बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि मुझे तो मेरा तो एक सपोर्ट सिस्टम मिला था, एक कंफर्ट जोन था मेरा, और जिससे बाहर निकलने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है इजीली ट्रस्ट करने में, किसी पे भी मैं कर नहीं सकती। किसी से भी अपनी बातें शेयर कर दी तो वो तो आपके इस शो में यूज़ हो जाती है, जैसे मुनव्वर ने किया था शुरुआत में मेरे साथ। उनको मैंने कुछ बताया कि मुझे नहीं समझ आ रहा, उन्होंने मेरे अगेंस्ट यूज़ कर ली वो चीज़ तो। हाँ, और जो अभी तक करते हुए आ रहे थे, मैं निकली तब तक भी वो बोल रहे थे मेरा कोई गेम नहीं है, तो इसीलिए मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाई। बट बहुत अच्छी जर्नी थी, मेरा अलग एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है। मुझे उन्हीं लोगों से बात करना अच्छा लगता है जो फेक नहीं है घर में, और जो ये मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ, ये जो बोलते हैं ना लोग जो डिस्क्लेमर के साथ चलते हैं, तो जो बोलते कुछ और है, उनकी एक्शंस कुछ और होती हैं, वर्ड्स एंड एक्शंस मैच नहीं करते, तो मुझे बहुत फेक लगती हैं वो। जो इमेज बनाने की कोशिश कर रही हैं पॉजिटिव कैरेक्टर की, जो वो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा जिस तरह से मेरे साथ वो झगड़ा करती हैं, आई डोंट नो व्हाट वाज शी डूइंग, पागल ही लग रही थी, एक नंबर की। तो हाँ, हर बार उन्होंने नील के डिसरिस्पेक्ट किए, जबकि नील ने हमेशा उनसे तमीज़ से बात की, बदतमीजी पे बदतमीजी उनकी तरफ से हमेशा पहल हुई है, इसीलिए तो फिर एक्शन का रिएक्शन निकलेगा। मेरा एक्शन का रिफ्लेक्शन था, जैसा आपने किया मैंने वैसे ही जवाब दिया। नील जीत के आना चाहिए मेरे हिसाब से तो, और अगर बिग बॉस इज़ बीइंग फेयर विथ द कंटेस्टेंट्स, तो उनको वो देखना चाहिए इंस्टेड ऑफ लाइक यू नो जो अनफेयर लोग घर में बैठे हुए हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जिनको जो देख कर आए बिग बॉस ऑलरेडी, और वो उसी हिसाब से खेल रहे हैं, तो बिग बॉस को उनको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रिंकू जी डेफिनेटली, हाँ बस बहुत रिंकू जी, मैंने यही बोला कि बहुत अच्छी इंसान है और बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमन है, वो बहुत अच्छे से समझाती हैं लोगों को, और पॉइंट टू पॉइंट पूरी आपकी मतलब जो होती है ना दिल की बातें, जो आप सोचते हो वो बोल देती है, इसलिए मैं उनको थेरेपिस्ट बोलती हूँ बहुत बार। पर उनको ये सब छोड़ के अपने गेम पे फोकस करना चाहिए, जो अभी तक वो कर ही नहीं है उन्होंने, तो हाँ यही चाहती हूँ मैं बस। मैंने दिखाई अपनी सारी साइड्स दिखाई है, वो डेढ़ घंटे के एपिसोड में नहीं आई, तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। अगर आपको मेरी साइड्स ही देखनी है तो प्लीज़ 24/7 लाइव जाके आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैं हर तरीके से दिखी हूँ जो मेरा साइड खतरों के खिलाड़ी में था। हाँ, वहाँ पे स्टंट नहीं हो रहे थे ऑनेस्टली, पर टास्क भी बहुत कम थे इस बार। आप लोगों को भी पता होगा कि ये सीज़न कुछ अलग ही था, जहाँ पर टास्क वगैरह नहीं हो रहे थे, तो 24/7 में जाके देख सकते हैं मेरी पर्सनैलिटी इफ़ यू वॉन्ट टू सी। अनुराग डेफिनेटली, रूल ब्रेक्स उन्होंने किए, मैंने नहीं किए, रूल्स ब्रेक उन्होंने किए हैं, मैंने नहीं किए हैं ऑनेस्टली, तो अनुराग को बाहर होना चाहिए था। अभिषेक ही है और नहीं लगता मुझे कुछ। शुरुआत में उन्होंने यस किया है ये सब, क्योंकि वो भी देखकर ही आए थे कि बिग बॉस में झगड़ा ही होता है सबसे ज़्यादा, तो झगड़ा ही करने पे एक पर्सनालिटी बना ली थी उन्होंने झगड़ा करने वाली। बट हाँ, इन अ वे ही इज़ ऑल्सो अग्रेसिव, बहुत फालतू का मुद्दा बनाया है, बट मेरी और उनसे मेरी उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी बाद में जाके, तो ही इज़ गुड विथ मी, तो ज़्यादा अभी उन्होंने काफ़ी सुधार भी किया है उसने खुद पर। फैंस को मैं यही कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, बट अभी प्लीज़ नील को सपोर्ट करो, क्योंकि वो अकेला है अंदर और बहुत अच्छा इंसान है और बहुत अच्छे से खेल रहा है, उसको सारी गेम समझ में आ रही, बस वो अपनी आवाज़ उठाए हर मुद्दे पे, पर प्लीज़ वोट करो नील के लिए, थैंक यू।